राजस्थान अमृत विचार देख रहे हैं आप। कल शाम एक बड़ी खबर से पूरा पुलिस महकमा जो था वो सन्न रह गया। दरअसल एसपी क्राइम की जो कोरोना रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप समझ गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि पुलिस महकमे के इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से कोरोना पॉजिटिव होना, तो पूरा पुलिस महकमा जो है सकते में थी। गंभीर स्थिति ये भी है कि क्योंकि पूरा मामला पुलिस से जुड़ा है और ये तमाम जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जो पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, जी तोड़ मेहनत के साथ लगा हुआ है पूरी व्यवस्था संभालने के लिए, और उसमें अगर इतने बड़े अधिकारी का संक्रमित हो जाना अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। तो सवाल यही है कि जब हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो ही संक्रमित हो रहे हैं, तो वाकई ये एक गंभीर मामला है और एसपी क्राइम जैसे अधिकारी का कोरोना संक्रमित हो जाना गंभीर स्थिति है, क्योंकि पुलिस जो है मुस्तैदी के साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उनको फील्ड में निकलना होता है, लोगों से मिलना होता है, ऐसे में पुलिस की अपनी सेहत को लेकर भी सवाल है, पुलिस की सुरक्षा को लेकर के भी, पुलिस की खुद की जो हेल्थ है उसको लेकर भी सवाल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तमाम सावधानियां बढ़ती जा रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बावजूद इसके इतना बड़ा बोझ पुलिस बरेली पुलिस के ऊपर है, बावजूद इसके एसपी क्राइम का कोरोना पॉजिटिव हो जाना अपने आप में एक गंभीर मामला है, क्योंकि ये उनके परिवार पुलिस वालों के परिवार से भी जुड़ा मामला है, उनके परिवार वालों की हेल्थ से भी जुड़ा मामला है, क्योंकि वो लोग ड्यूटी करके घर भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आगे की रणनीति पुलिस की रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्थिति यही है कि जो पूरा महकमा पुलिस महकमा जो है इस वक्त सन इसीलिए है क्योंकि एसपी क्राइम के रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आई है और ये अपने आप में गंभीर मामला है। कैमरामैन शारिक के साथ मोनिस खान, अमृत विचार।